नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को देवघर पहुंचे। शाह रविवार को वापस दिल्ली लौट जाएंगे। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना से उनके देवघर प्रवास की शुरुआत हुई और केंद्रीय गृह मंत्री ने देवघर में आयोजित विजय महासंकल्प महारैली में झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है तो वो झारखंड में है। झारखंड की सरकार देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकारों में से एक है। कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो हाथ से करप्शन करता है, लेकिन यहां तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया गया है। और इसके साथ ही अमित शाह ने दरअसल केंद्र की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का भी इस दौरान जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और केंद्र की सरकार ने एक बेहतर मैनेजमेंट के जरिए लोगों तक सारी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया गया सरकारों की तरफ से, और खास तौर पर इस दौरान सरकार केंद्र सरकार का जिक्र किया गया जो कि मुफ्त अनाज भी दिया गया। अमित शाह ने कहा कि 2.5 साल मुफ्त अनाज लगातार दिया गया, लोगों का जो भोजन का जो व्यवस्था है पूरी वो सरकार ने मुहैया कराई, सरकार ने उसको अपनी जिम्मेदारी समझी और लोगों के घर के चूल्हे को बुझने नहीं दिया जाएगा आगे भी। अमित शाह ने यह बात कही है 2.5 साल के बाद। कहा कि अभी 1 साल और भी एक्सटेंड कर दिया गया इस योजना को, अभी लोगों को और भी इसका लाभ मिलेगा। दरअसल 2024 की तैयारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बेहद सक्रिय नजर आ रही है और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में 14 सीटों में से 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद 2 सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई थी बीजेपी को, और इस चुनाव में आने वाले चुनाव में 24 के चुनाव में उन 2 सीटों पर भी नजर आए, यानी 14 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। क्या है रणनीति, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए। बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के साथ ही बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने आखिरकार मिशन 24 का झारखंड में शंखनाद कर ही दिया। यानी 24 के चुनाव से पहले बीजेपी ने कमर कस ली है, तभी तो एक महीने में ये दूसरा मौका है जब बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक अमित शाह झारखंड की सरजमी पर संगठन की ताकत को तोलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक माह में दूसरी बार झारखंड दौरे पर शाह। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। देवघर से मिशन 2024 का किया शंखनाद। बीजेपी की विजय संकल्प रैली में शामिल हुए शाह। शाह न सिर्फ बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं बल्कि संगठन के कामकाज का उन्हें बहुत लंबा तजुर्बा है। ऐसे में तभी तो वो पार्टी के केल कांटे दुरुस्त करने के लिए वो खुद 24 से पहले ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। मिशन झारखंड पर बीजेपी के चाणक्य, एक महीने के भीतर गृह मंत्री का दूसरा दौरा है। 6 जनवरी को रांची का दौरा किया था, 7 जनवरी को चाईबासा में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक ली थी। अमित शाह ने रैली के जरिए हुंकार भरी थी। तो शाह ने 2024 की घेराबंदी करने के लिए अभी से ही चुनावी मैदान में शंखनाद का ऐलान कर दिया। शाह ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र द्वारा उठाए गए सार्थक कदम के साथ जन जन तक मुफ्त में अनाज पहुंचाने की बात कही, तो युवाओं के लिए एडवांस स्किल के लिए चलाई जा रही योजनाओं को भी गिनाया। इस दौरान शाह ने द्रौपदी मुर्मू के नाम के सहारे गरीब और आदिवासियों को साधने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो भारतीय जनता पार्टी ने 24 की तैयारी में जुट गई है और यही वजह है कि एक माह के अंदर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का यह दूसरा दौरा रहा और इस दौरे के दौरान भी अमित शाह ने पूरी भूमिका बनाई कि झारखंड की जनता बीजेपी के पाले में आ जाए। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप भी बढ़े गए झारखंड की सरकार पर। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ रणनीति है जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। अनंत अमित जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनंत अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मसेस के नेता हैं। मुखर्जी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनंत अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आपने जो आज हुंकार भरी है झारखंड में, आप आरोप तमाम लगा रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए रहे हैं कि दरअसल राज्य सरकारें जो भ्रष्टाचार करती हैं वो हाथों से करती हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो एक अलग लेवल का देखने को मिल रहा है। ट्रेन की बोगियों से भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रैक्टरों से भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या आने वाले समय में ये आपका अहम मुद्दा, सबसे बड़ा जो हथियार होगा भ्रष्टाचार का होगा चुनाव के दरमियान? निश्चित तौर पर योगेश जी, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का झारखंड में पिछले 7 जनवरी को आपने देखा होगा कि चाईबासा में उनका विजय संकल्प रैली थी और आज देवघर में जो विजय संकल्प रैली उन्होंने किया है, निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव है। और पिछले चुनाव में जैसा कि आपने भी बताया कि हम 12 सीटों पर जीते थे, इस बार हमारा लक्ष्य 14 सीटों का। आज पहली बार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से राज्य सरकार के ऊपर उन्होंने हमला किया है, ये हम लगातार इंडिया वॉइस के माध्यम से तमाम चैनलों पे हम जब डिबेट में जाते थे, हम सरकार के भ्रष्टाचारी कार्यक्रमों को, भ्रष्टाचारी नीतियों को उजागर करते थे। लेकिन आज अमित शाह जी ने जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के ऊपर जो उन्होंने कहा है कि दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार में से झारखंड की सरकार है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से घुसपैठियों के ऊपर जो कहा है, निश्चित तौर पे ये झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरीके से हमारे झारखंड में आदिवासी और मूलवासी और पिछड़ों का जिस तरीके से सफाया हो रहा है, जैसा कि अमित शाह जी ने आज कहा कि पहले 35% हमारे प्रदेश में आदिवासी रहते थे, आज वो 24% हो गए। और जिस तरीके से घुसपैठियों का तमाम जिलों में जिस तरीके से उन्होंने चर्चा किया, जामतारा, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, इस तरीके से ये लगता है कि आने वाला समय में राज्य के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जो उन्होंने विकास की जो बात की है, वो बार बार ये कहते रहे कि जब जब हमारी सरकार बनी है, हमने जो विकास का रास्ता जो अख्तियार किया था, पिछली जो हमारी सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, जो विकास के कार्यक्रम आगे बढ़ा रही थी, विगत 3 वर्षों में वर्तमान यूपीए की सरकार ने उस सारे विकास कार्यक्रमों को ठप कर रखा है। और हम ये आज भी माननीय अमित शाह जी ने देवघर में नैनो खाद्य फैक्ट्री का शिलान्यास किया है, इस तरीके से आने वाले समय में जिस तरीके से प्रदेश में काम कर रहे हैं, भारत सरकार जिस तरीके से राज्य में काम कर रही है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर से झारखंड का काफी विकास होना है। लेकिन वर्तमान सरकार के रहते हमें ऐसा लग रहा है कि ये वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, विकास से इसका दूर दूर तक, कोसों कोसों तक कोई वास्ता नहीं है। और हमें लगता है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से हमारी तैयारी है, हम निश्चित तौर पर झारखंड के 14 में से 14 लोकसभा सीट जीतने का हमारा कार्यक्रम है। उससे हमें जनता का जो विश्वास मिलेगा, जनता से जो हम जनता के बीच में जो जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल हमें 2024 के चुनाव में मिलने वाला है। मुखर्जी जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महीने भर के अंदर गृह मंत्री अमित शाह का यह दूसरा दौरा झारखंड का है, क्या जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से 14 सीटों में से 14 की 14 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने के लिए आतुर हैं, ऐसा आज कहा भी गया कि दरअसल यहाँ की जनता यानी झारखंड की जनता झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है, तो जाहिर तौर पर क्या ये लगता है क्या कि आने वाले समय में अन्य विपक्षी दलों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी ताल ठोकेंगे जो राजनीतिक दल, उनके लिए बड़ी चुनौती है? जी, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर हमारे झारखंड आए, निश्चित निश्चित बहुत बड़ी बात है, स्वागत है। 2 बार क्यों, 10 बार आए,
कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि 24 में होने वाला क्या है। देखिए वो पूरे देश के राजनीति करते हैं ना, मात्र ये 14 सीट के लिए नहीं, उनको पता है, उनको फीडबैक मिले हैं कि विधानसभा में 28 विधानसभा जो रिजर्व सीट है उसमें सिर्फ 2 मिले उनको, तो क्या हर्ष होगा ये 2024 का लोकसभा में उन्हें पता चली, क्योंकि लोकसभा के बाद विधानसभा हुई थी और जितने भी आज तक उपचुनाव हुए सबकी परिस्थिति देख के हमें लगता है कि उनको 2 बार नहीं, हमें लगता है महीना में कम से कम 10 बार आना चाहिए। हमें लगता है तब ये जो इस तरह से खाली झूठे वादे करते हैं यहाँ बैठ बैठ के, ये कर दिए वो कर दिए, बताइए आपके 12 संसद, राज्यसभा मिला के 3-4 और, लेकिन आप राज्य के लिए कर का रहे हैं यहाँ बैठ के? आपने एक चिट्ठी दिए कि दिक्कतें यहाँ पर है, यहाँ पर सरना कोड लाओ, 32 का खतियान लागू करो आदिवासी क्षेत्र में, लेकिन नहीं, कहाँ कोई करते हैं। अमित शाह एक शब्द बोले कि भाई आपके विकास क्या है कि उनकी जमीन ले लो, पिछली सरकार ने 21 लाख एकड़ जमीन बेच दिए। रघुवर के पीरियड में जो गलतियां हुई है वो किसी ने कहा? आज उसी का झेल रहे, ईडी यहां ऑफिस बना लिए उनको जांच करने के लिए, लेकिन ईडी की ताकत है कि उधर झांक ले? नहीं झांकेंगे। 514 आदिवासियों को नक्सली बनाए थे उसकी जांच हुई? नहीं हुई। सारे का टर्म्स का 24 में झारखंड की जनता जवाब देगी। आपने चैबासा में भीड़ देख लिए थे मुखर्जी जी, लेकिन सवाल तो यहाँ पर भी उठ रहा है ना। सुन लीजिए 24 अभी जो चैबासा आए थे वहाँ भीड़ देख लिए थे ना, किसी की दम नहीं है, किसी चैनल की दम नहीं है कि उस भीड़ को दिखाए। नहीं भाई, रैली दिखाई गई है तो भीड़ क्यों नहीं दिखाई जाएगी? आप क्या बात कर रहे हैं मुखर्जी? सवाल ये उठ रहा है, देखिए सवाल केवल बीजेपी नहीं उठा रही है, बात को तो आप भी मानते हैं ना। आप भी हमारे साथ कई बार चर्चा में बैठे हैं और सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। आपने कहा कि जिन वादों को लेकर सरकार बैठी थी, सत्तासीन हुई, उन वादों पर खरी नहीं उतरी। जी जी, हम तो कह रहे हैं इस बार जो सरकार बनेगी वो जो सोच रहे ना कि हम आके मेरी सरकार बनेगी, वो तो कहीं दिखेंगे ही नहीं, कहीं दिखेंगे ही नहीं। अब नई सरकार आएगी और जो सरकार चल रही है वो उस तरह परिस्थिति में रहेगी जो अभी उनकी है हाल, क्योंकि जनता बहुत नाराज, बहुत ज्यादा जनता नाराज है, क्योंकि उन्होंने भी धोखा दिया और इस सरकार भी अभी 3 साल तक धोखा दे रही है। ठीक, हमें तो लगता है कि जनता सोच ली है, क्योंकि बिना पार्टी का, बिना बैनर का 20,000-25,000 लोग आ जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी डीसी को सबको आदेश देके गाड़ी से मंगाए लोग, लेकिन 5,000 नहीं आते हैं। आप देखिए अमित शाह जी का प्रोग्राम, देखिए चैबासा की प्रोग्राम, कुर्सी नहीं भरे तो कुर्सी हटवा लिए, ये हो रहे जनता। देखिए ये सिद्धू कानू की धरती है, ये बिरसा की धरती है, यहां संघर्ष से झारखंड मिला, किसी के दान में नहीं मिला, इसलिए इस बार की चुनाव संघर्ष भरी रहेगी और आदिवासी मूलवासियों के हक की बात जो कहेंगे, जो जमीन नहीं बेचेंगे वो कुर्सी में रहेंगे, चाहे किसी को भी हटाने पड़े। ठीक है मुखर्जी जी आएंगे और इस बीच लेकिन आपको सुना देते हैं कि दरअसल इस पूरे दौरे को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का क्या कुछ कहना है वो जरा आप सुनिए। राजेश ठाकुर का बयान चलाइए। देखिए रामगढ़ का चुनाव है और सीधे तौर पे गृह मंत्री जी जानते हैं कि चुनाव हम रामगढ़ का जीत नहीं रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने पहले ही कहा है कि 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव इसलिए जीत हासिल की, वो 4 सीटें उनकी थी, तो 5वां भी तो हमारा है, तो उन लोगों ने भी मान लिया है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो ऐसे में वो रामगढ़ में जाकर के कभी चाईबासा, कभी देवघर, इस तरह के जगहों पे घूम करके वो एक संदेश देना चाहते हैं, लेकिन गंभीरता
से रामगढ़ की जनता इस बात को नहीं लेती है, रामगढ़ की जनता जानती है कि उसको किसको वोट करना है। अनंत अमित जी, देख लीजिए, जनता सब जानती है, लेकिन सवाल ये भी है, अभी मुखर्जी जी कह रहे हैं कि भीड़ तो आपकी उस रैली में आ नहीं रही है, तो भाई आप संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन मुखर्जी जी एक और नई बात बताई, उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार आपकी भी नहीं बनने वाली है और जो वर्तमान सत्तासीन है पार्टियां वो भी आने वाली नहीं है। ये मैं उसी पर योगेश जी मैं कहना चाह रहा था, मैं सुशांत दासी एक बात से सहमत हूँ, दूसरी बात से सहमत हूँ। पहली बात, उन्होंने जो ये कहा कि जो हमारी सरकार का हस्त्र हुआ था वही सरकार, वही हस्त्र वर्तमान सरकार का होगा। ज्यादा लगातार जिस तरीके से लोबिन हेमरम जी के साथ चल रहे हैं, हम भी उसके निगरानी रख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जिस तरीके से जनता की भीड़ आ रही है, तो जनता की भीड़ किसके लिए आ रही है? वर्तमान सरकार के खिलाफ जो जनता में जो लामबंद हो रहे हैं, निश्चित तौर पर दादा ये निश्चित तौर पर भीड़ है। लेकिन उसके साथ साथ अभी राजेश ठाकुर जी का भी आप बयान सुनवा रहे थे, रामगढ़ के उपचुनाव की चर्चा कर रहे थे, तो राजेश ठाकुर जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रदेश अध्यक्ष है, सम्मानित नेता है, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी का जो देवघर का दौरा है और चाईबसा का दौरा है वो रामगढ़ चुनाव के लिए, अरे आप अपनी भारत जोड़ो यात्रा को देखिए, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमारे गृह मंत्री जी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, हम उनको चाणक्य कहते हैं, पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। साथ साथ आज जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी ने विकास के मामलों पे कहा है, तो मैं सुशांतो दादा को ये बताना चाहता हूं, इंडिया वॉइस के माध्यम से उन्होंने कई विकास योजनाओं की चर्चा की। एम्स किसने बनवाया दादा? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। एयरपोर्ट देवघर में किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। आज खाद्य फैक्ट्री का शिलान्यास किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। पावर प्लांट किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। एनएचआई में काम कौन कर रहा है? सड़कों का विकास जाल कौन बिछा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का। अनंत अमित जी, आप इतनी योजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल में वो गुजरात के लेवल पर, गुजरात के बराबर पर झारखंड को खड़ा कर देंगे। झूठ, देखिए वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को झूठ बोलने के अलावा, इनको ठगने के अलावा कुछ नहीं आता। ये पूरा झारखंड जानता है इस बात को कि वर्तमान जो सोरेन परिवार है पूरे झारखंड को ठगने का काम कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत लगातार लोबिन हेमरम की सभा में जा रहे हैं, सभा में जा रहे हैं, दादा भी उस बात को मान रहे, तमाम लोग आदिवासी मूलवासी सभी लोगों में ये मान्यता बन चुकी है कि वर्तमान सरकार ठगने का काम कर रही है और वर्तमान सरकार के कार्यकलाप से पूरे सवा तीन जनता एकदम परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। हम लगातार काम कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से आज कहा है और जो मूल मंत्र हमारे कार्यकर्ताओं को दिया है, ये हमारे कार्यकर्ता हर प्रखंड स्तर पे, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं और आगामी चुनाव में आपको इसका प्रतिफल देखने को मिलेगा। मुखर्जी जी, देखिए गोड्डा की पावर प्लांट बीजेपी ने दिया, लेकिन देश को क्या मिला, राज को क्या मिला? हमारी मिट्टी, हमारी पानी, हमारी सब बेच रहे बांग्लादेश को। पावर प्लांट से सारे पावर बांग्लादेश को भेज रहे हैं, उसमें सीएनटी एसपीटी में कानून है, देश में कानून बनी हुई है कि अगर आप चाहते हैं सब चीज खरीदने के बाद लाठी डंडों के साथ हटा के प्लांट भी खोलेंगे, 25% देश को बिजली देनी है। लेकिन कैसा ये केंद्रीय सरकार है कि उसको कानून को धत्ता बताते हुए सारे पावर बांग्लादेश को भेज रहे हैं। मेरा पानी, मेरा मिट्टी, मेरा सब, और अब फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, नहीं चलेगा। ये झारखंड है, झारखंडियों का झारखंड है। प्लांट लगा के बांग्लादेश को बेचे हुए तो झारखंड की मिट्टी, झारखंड की माटी कभी माफ नहीं करेगा। जिस तरह से उसे हटाया, इस तरह से देश से तुम्हें भी हटाया जाएगा। ये कह दे रहे, ये सुन लीजिए बढ़िया से, एकदम अच्छा से लिख लीजिए। आप 14 सीट के नाम नहीं, आपके डर आ गए हैं। अमित शाह जी, पूरे पार्टी डर रही है कि करे तो क्या करे, हमें लगता है 12 नहीं 2 पर ना आ जाए, इसकी चिंता है उन्हें, क्योंकि आधा से ज्यादा ट्राइबल क्षेत्र में जो जीते हैं सब जगह हुई हाल।
एक जगह खूंटी में किसी तरह से निकाले हैं। आप देखने की बात है कि दो रिजर्व से एक बचे हैं, 26 हार गए, 26 में से लोकसभा कितने पड़ते हैं ये गिन के देखना है। हमें लगता है 24 की जवाब इन्हें पहले ही मिल चुकी है। और ये हम नहीं मानेंगे कि उपचुनाव में अमित शाह आके कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अमित शाह कहे गए हैं कि 12 मिले हैं 14 लेंगे, मतलब अगली बार आजसू के साथ गठबंधन नहीं, उनके 14 सीट में अपने कैंडिडेट रहेंगे। तो क्यों आएंगे आजसू को समर्थन करने यहाँ? हमको तो जो पता है आजसू के लिए बहुत कम के लोग भी काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बल पर लड़ रहे हैं, दोबारा हारेगी और दोबारा हारने के बाद ये पांचवा उपचुनाव होगा जो झारखंड में एक भी सीट बीजेपी और बीजेपी समर्पित जो चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में है उनको नहीं मिले। ये एक रिकॉर्ड होगी और ये इसका रिकॉर्ड हम लोग 24 में लोकसभा में और विधानसभा में दिखाएंगे। जी अनंत अमित जी, तो बिल्कुल विपरीत कहानी बताई जा रही है। देखिए आपके दादा सपनों में देख रहे हैं, ठीक है, उनको सपना देखे, सपना हर व्यक्ति हम लोग एक चीज है कि जहाँ तक गठबंधन की बात, गठबंधन की बात है, आप सपना भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव में हम गठबंधन में भी नहीं बता सकते, और उसके बाद आज भी लोकसभा में हम गठबंधन में है। आंसू के एक सांसद है, गिरिडीह से सांसद है, हमारे गठबंधन में है और निश्चित तौर पर हमारे माननीय सुदेश महतो जी से हमारे पार्टी के संबंध अच्छे हैं और हम रामगढ़ के चुनाव में हमने उनको समर्थन भी दिया है दादा, ये आप जान जाइए। और रामगढ़ के चुनाव में आंसू का उम्मीदवार होगा और भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार आंसू का होगा, इसीलिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है। आज जिस तरीके से योगेश जी अमित शाह जी ने जहां तक आदिवासियों के विकास की बात की है, देश में पहली बार उन्होंने कहा कि हमने द्रौपदी मुर्मू को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू किसने मनाया? भारतीय जनता पार्टी ने मनाया। 8,000 करोड़ का बजट होता था आदिवासी को कल्याण के लिए, जिसको बढ़ाकर 14,000 करोड़ सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के विकास के लिए बजट किसने पेश किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक लघु विद्यालय कौन बनवा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा रही है। और इस तरीके से देश में हमने अभी पिछले दिन योगेश जी आपने तो मैं कह रहा था बजट वाले दिन, देश में 8.6% आदिवासी लोग रहते हैं और 738 जनजातीय प्रवास करती है देश में, और सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की चिंता करने की बात की है और उसी को नजर रखते हुए वर्तमान बजट में आदिवासियों के साथ जो बजट लेकर आई है, निश्चित तौर पर हमें ये लगता है कि झारखंड ही नहीं पूरे देश के जनजातीय समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी ने का मन जीत लिया है और उनका मन हमने जीतने का प्रयास किया है। जी जी जी, तो इसीलिए आदिवासी पूरे राज्य में पूरे देश में आपकी क्या हाल कर दिए आपको तो पता है। झारखंड में जो भी ये कौन सी क्षेत्र में आपको वोट दिया? 28 सीट विधानसभा, मात्र 2 सीट, 26 आ गए। बनाई गई और लोकसभा में पूरे 14 के 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। चलिए ये तो वक्त बताएगा, झारखंड की जनता बताएगी कि किसे वो अपने सराखों पर बैठाती है। और मेहनत करना तो सभी राजनीतिक दलों का काम है और वो अभी से दिखाई देने लगा है, शुरू हो गया है। अनंत अमित जी, सुशांत मुखर्जी जी, आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड में आज अमित शाह की गर्जना देखने को मिली है और साफ तौर पर इस दौरान झारखंड सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये जो रैलियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होती हैं। चर्चा में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।